नमस्कार, न्यूज 29 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी, आपके साथ। आइए रुक करते हैं अभी की ताजा खबरों की ओर। इंदौर जिला कोर्ट में होने वाले 10 तारीख के चुनाव को लेकर अधिवक्ता भी जोश में। कुल 10 पद के लिए 30 अधिवक्ता इस चुनाव में आजमा रहे अपना भाग्य। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में देर रात हुआ 5 साल की बच्ची का अपहरण। तलाशी के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से कुछ दूरी पर बरामद किया बालिका का लोअर। रतलाम के कालूखेड़ा थाना पुलिस ने विस्फोटक सामग्री ले जाते 2 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी। इंदौर जिला कोर्ट में होने वाले 10 तारीख के चुनाव को लेकर अधिवक्ता में अभी जोश दिखाई दे रहा है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और कार्यकारी सदस्य के कुल 10 पद के लिए 30 अधिवक्ता इस चुनाव में अपना भाग्य आजमाने जा रहे हैं। अधिवक्ता उपाध्यक्ष के पद में अपना भाग्य आजमा रहे मनोहर सिंह पांडेता ने बताया कि यदि मैं अधिवक्ता के इस चुनाव में उपाध्यक्ष पद के लिए जीता हूं तो मेरी सबसे पहली प्राथमिक वकीलों की हित में होगी। वकीलों की बीमारी या मृत्यु होने पर मात्र 15,000 दिए जा रहे हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि इसको मैं बढ़ाकर वकीलों के हित में 50,000 रुपए करूंगा। वहीं जिला कोर्ट परिषद में पार्किंग की व्यवस्था को सुचारिता कर पार्किंग व्यवस्था बनवाऊंगा। जिला कोर्ट में पानी की समस्या, शौचालय, वकीलों के बैठने की व्यवस्था, लाइब्रेरी सहित अन्य मूलभूत जो भी समस्या है उसको मैं जल्दी सुचारू रूप से व्यवस्थित करवाऊंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। मूलभूत समस्या जिसको आप निवारण करेंगे? मूलभूत समस्या तो बहुत सारी है यहाँ पर। अभी तक किसी ने कोई समस्या का हल नहीं किया, वकीलों के हित में किसी ने काम नहीं किया है। यहाँ पे व्यक्ति चुन के जाता है और फिर भूल जाता है वहाँ पे कि हमारे कर्तव्य क्या है। उनके प्रति निष्ठावान नहीं है कोई भी। यहाँ पर जो व्यक्ति, अगर वकील की अगर डेथ होती तो उसकी डेथ में मात्र 15,000 रुपये यहाँ से स्वीकृत होते हैं, जो कि बहुत कम होते हैं। कम से कम 50,000 रुपये होना चाहिए और वो भी मेरी पहले प्राथमिकता रहेगी जीतने के बाद। और यहाँ की पार्किंग की जो व्यवस्था है वो बेकार है, उसको सुधारने की रहेगी। इसके साथ में पानी की व्यवस्था है, लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था है, ये सारी चीज़ें यहाँ की जो समस्याएं हैं वकीलों की, मूलभूत समस्या है, वो उनका निदान करना चाहता हूँ। क्या हम पिछले जो उपाध्यक्ष है क्या उनसे आप संतुष्ट नहीं थे कि क्या कार्य नहीं कर सर? मैं संतुष्ट बिल्कुल ही नहीं हूँ कार्यकारिणी से, पिछली से, जो कि उनने कार्य नहीं किया। इसलिए मुझे मजबूरन खड़ा होना पड़ा, नहीं तो मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। मैं वकील भाइयों के लिए काम करना चाहता हूँ और इनके लिए खड़ा हुआ। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र से देर रात एक 5 साल की बच्ची का अपहरण हो गया। फिलहाल पुलिस बच्ची को खोजने का प्रयास कर रही है। मामला इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र का है, जहां 3 मंजिला अस्पताल के पास रहने वाली 5 वर्षीय बालिका को देर रात कोई अज्ञात बदमाश उठाकर ले गया। पुलिस ने तलाशी में घटनास्थल से कुछ दूरी पर बालिका का लोअर बरामद किया है। वहीं पुलिस को यह भी आशंका है कि बच्चे के साथ कुछ अनहोनी हुई है। फिलहाल पुलिस बच्ची की तलाश कर रही है। कल रात से एक बच्ची मिसिंग है, मनीषा निनामा नामक एक बच्ची, 4 साल की लोन मिसिंग है। और जैसे ही पुलिस को सूचना मिली है, पुलिस लगातार जो है बच्ची को दस्तयाब करने का प्रयास कर रही है और इसी तारतम में लगातार हमारी सर्च टीमें निकली हुई हैं। इसमें हमारा जो स्नाइपर डॉग से लेकर सारी टीमें, जो स्पेसिफिक टीमें हैं, वो इसमें लगाई गई हैं। और इसमें सभी वरिष्ठ अधिकारी भी जो है इसमें लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी बच्ची को दस्तयाब कर सकें। फिलहाल रहवासियों में इस घटनाक्रम के बाद काफी विरोध है। वहीं लोगों ने थाने का घेराव भी कर दिया। मौके पर क्षेत्रीय विधायक रमेश मेंदोला भी पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस को जल्द से जल्द बच्ची का पता लगाने के लिए कहा है। इस घटनाक्रम के बाद से बच्ची की मां का बुरा हाल है। अब वह सिर्फ पुलिस से गुहार लगा रही है कि जल्द ही उसकी बेटी का पता लगाया जाए। देखिए, हम तो शुरू से बोलते आए हैं कि जब से कांग्रेस की सरकार आई है इस तरह की घटनाएं बढ़ी है, सभी दूर बढ़ी। अब यहाँ तो ऐसा हो गया कि DSP को भी घर में घुस के कांग्रेस के कार्यकर्ता गोली मार के हत्या करते हैं। बच्चों को उठाना, उनके साथ रेप होना और उनकी हत्याएं करना, ये घटनाएं बिल्कुल ऐसी बड़ी हुई। सभी दूचाए जहां आप देखेंगे, जंगल राज होता है ना, जंगल राज, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं बची। और इस तरह के जो कांग्रेस के जो नेताओं के और उनके जो उनके उसमें लगी हुई है पुलिस जो लगी है, उसके कारण पूरे प्रदेश का वातावरण खराब हो गया। क्या हुआ, कब क्या हुआ, बच्ची कहाँ गई, क्या जानकारी? क्या मालूम कहाँ गया। वो शाम को भंडारा खाने के लिए गए थे, भंडारा खा के आया, 10 बजे सो ही गए। रात में 2 बजे उठ के हमने उसको तलाशी लगाया, वो मिली नहीं। कोई उठा के ले गया झोपड़ी में से? क्या मालूम कौन उठा के ले गया, ये पता थोड़ा चल रहा हमको। क्या नाम था बच्ची का? मनीषा। कितने साल की मनीषा? 5 साल की। पढ़ने जाती है क्या? नहीं, स्कूल नहीं जाती।
तो रात में कोई आया होगा यहाँ पे? ये गेट आप लोग का खुला रहता है, बंद रखते हो क्या करते? ये गेट आज रात में खुला रह गया, भंडारा खाने के गए थे सब लोग, तो एक एक दूसरे के वो सोचे वो लगा देगा, तो आगे पीछे आते तो कोई भूल गया तो लगाया नहीं गेट रात में। रतलाम के कालूखेड़ा थाना पुलिस ने विस्फोटक सामग्री ले जाते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया है। कालूखेड़ा पुलिस को वाहन चेकिंग के दौरान यह सफलता हाथ लगी है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक कार को रोका और उसकी तलाशी ली तो पुलिस को उसमें से विस्फोटक सामान मिला। पुलिस ने इस मामले में कार में सवार बड़ावदा थाने के ग्राम खजूरिया निवासी कैलाश पिता लक्ष्मण कुमार और चकमा खेड़ी निवासी श्याम पिता अमर सिंह राजपूत को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वे बर्डिया गोयल स्थित दुकान में उक्त विस्फोटक सामग्री लेकर आए थे और क्षेत्र में कुएं बावड़ी खनन करने वाले ट्रैक्टर चालकों को देने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान वे पकड़ा गए। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। जी, ये कल शाम के समय की बात है। थाना क्षेत्र भ्रमण के दौरान एक अल्टो कार को चेकिंग करने के दौरान उसके अंदर विस्फोटक पदार्थ प्राप्त हुआ है। उसमें दो, एक कार चालक और एक अन्य व्यक्ति बैठे हुए थे। कार को चेक करते हुए उसमें से 800 नग डेटोनेटर और 800 जिलेटिन की छड़े प्राप्त हुई है, जिसको लाइसेंस वगैरह चेक किया गया तो उनके पास कोई लाइसेंस परिवहन के संबंध में नहीं पाया गया मौके पर, तो धारा 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत जब्ती कार्रवाई कर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। जावरा उज्जैन रोड पर बड़ोदिया के पास एक ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद बाइक में आग लग गई। बाइक चालक अपनी शादी की पत्रिका मेहमानों के यहाँ देने जा रहा था, इसी दौरान हादसा हो गया। भीषण आग का पता लगते ही जावरा के फायर फाइटर मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। ये दो लोग मोटरसाइकिल से भुतेड़ा पत्रिका बांटने आ रहे थे जी। ये रास्ते में बोला गया कि वहाँ एक ट्रक वाले ने इनको टक्कर मार, टक्कर से क्या हुआ कि मोटरसाइकिल में आग लगी और ये एक्सीडेंट से मतलब गिरने से और झुलसने से एक व्यक्ति के मौके पर मौत हो गई और एक घायल और यहाँ का जावरा में मौत। सर क्या काय से टकरा ये लोग, मालूम पड़ा कुछ? ये ट्रक ने टक्कर मारी है पता चला है। अच्छा, जिसमें कितने लोग घायल हैं? जिसमें ये दो लोग मोटरसाइकिल पर थे तो जिसमें से एक की मौके पर। कुछ ये मालूम पड़ा सर कहाँ के रहने वाले थे, कुछ मालूम पड़ा सर? ये अभी तो जानकारी मिल रही है, एक तो हिंगोरिया साइड का बता रहे हैं और एक ठिकरिया गांव बता रहे हैं। झालावाड़ जिले के गंगदार थाना क्षेत्र के सुनारी गांव के पास एक अज्ञात पिकअप ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार गब्बर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। गब्बर अपने गांव दुधालिया से चौमेला जा रहा था, इसी दौरान सामने से आ रहे एक पिकअप वाहन ने उसकी गाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे उसका पांव टूट गया और सिर पर चोट आई है। ग्रामीणों ने 108 एम्बुलेंस की मदद से गब्बर को चौमेला के CHC अस्पताल पहुंचाया। टक्कर के बाद चालक पिकअप लेकर फरार हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।